सोशल मीडिया का मुल्कों में रोल अब बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हकूमतें अक्सर डर जाती हैं सोशल मीडिया पे फ़्रीडम ऑफ स्पीच से जिस तरीके से ब्लॉगर्स व्लागर्स जर्नलिस्ट टीवी से हट के अपने अपने चैनल्स बनाकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और खुल के तनकीद करते हैं हकूमत की तो उससे बहुत से आ, बहुत सी हुकूमतें या बहुत से लोग बहुत से अफराद हुकूमत में परेशान हो जाते हैं तो आप सपोज़ करें कि इस परेशानी में आके हुकूमत ने एक फैसला किया अल्लाह ना करे कि वो कभी ऐसा फ़ैसला करे, लेकिन हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि एक ऐसा बिल लाया जाए पार्लियामेंट के अंदर जिससे सोशल मीडिया पर जो फ़्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कट किया जाए ताकि लोग अपना इजहार ख्याल हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल के सोशल मीडिया पर ना कर सकें अब आपने और इस पर साफियों ने लिखना शुरू किया कि ये बड़ा नुकसान होगा और उन्होंने एक जुमला लिखा कि दिस प्रोपोजल विल बी अ डेथ नेल टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द कंट्री सो दिस प्रोपोजल विल बी अ डेथ नेल टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आज का वर्ड है नेल के एन ई डबल एल आप के वर्ड्स के साथ नोटिस करेंगे कि अक्सर जगह पर के साइलेंट है नल का जो औरिजिन है आ, पुराने ज़माने में क्रिश्चन वर्ल्ड के अंदर जब Uh, कोई फोत हो जाता था किसी का फ्यूनरल होना होता था कोई गमगीन खबर होती थी तो चर्च के अंदर एक ख़ास किस्म की बेल बजती थी आहिस्ता आहिस्ता ना टन टन करके जिस जो एक सोलम एक उदास बेल होती थी जिसका मकसद कोई सैड न्यूज को अनाउंस करना होता था उसे नेल कहते हैं तो उस 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 साउंड को नल्ल कहते हैं नैल अब इस सेंस में भी यूज़ होता है कि किसी चीज़ का एंड होने लगा हो किसी चीज़ का एंड मार्क करने के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है कि नल तो एक चीज़ का एंड होने लगा है तो जनरली जिस तरह तो आप हम इसको यूज़ करते हैं एवरीडे लैंग्वेज में तो जिस तरह तो मैंने सेंटेंस में यूज़ किया कि दिस प्रपोजल विल बी अ डेथ नल टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये फ्रीडम ऑफ़ स्पीच के लिए इजहार ख्याल की आज़ादी अज़, के लिए फ्रीडम ऑफ़ स्पीच के लिए ये एक डेथ नेल होगी मतलब ये एक मौत की घंटी होगी मतलब उसका ये एक एंड होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर इस किस्म की कोई प्रपोज़ल आ जाती है कि सोशल मीडिया पे लोगों को इजहार ख्याल करने से रोक दिया जाए तो वर्ड है नेल नेल इज़ अ नाउन